दोस्तों, रामायण के युद्ध के साथ साथ पूरा राक्षस वंश खत्म हो गया था। रावण के बुरे कार्य और अपनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल के कारण रावण का वध हुआ, लेकिन पत्नी मंदोदरी ने शुरुआत से लेकर अंत तक इस युद्ध को टालने के कई प्रयास किए थे। रावण के हर बुरे काम के लिए मंदोदरी ने रावण को समझाने की कोशिश की। मंदोदरी के साथ साथ भाई विभीषण भी नहीं चाहते थे कि रावण भगवान राम से युद्ध करें, क्योंकि विभीषण जानते थे कि भगवान राम कोई साधारण पुरुष नहीं थे, उनसे उलझने का मतलब अंत था। इसलिए विभीषण ने अपनी राह बदलकर अपने भाई के खिलाफ जाने का निश्चय किया। पर अहंकार की आग में जल रहा रावण नहीं पत्नी मंदोदरी की सुनना चाहता था और ना ही भाई विभीषण की। आखिरकार रावण की मृत्यु के बाद ऐसा क्या हुआ कि मंदोदरी ने विभीषण से ही विवाह किया? क्यों मंदोदरी ने अन्य पुरुष के बजाय विभीषण की धर्म पत्नी बनना स्वीकार किया? तो आज की वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, मंदोदरी एक ऐसा नाम है जो राक्षस कुल में रहते हुए धर्म और न्याय की अच्छी समझ रखती थी। मंदोदरी लंका में रहकर राम को भगवान स्वरूप ही मानती थी। शायद इसी वजह से युद्ध के अंत में मंदोदरी भी विभीषण के साथ जिंदा बच सकी। युद्ध के बाद मंदोदरी का क्या हुआ ये जानने के लिए हमें मंदोदरी का इतिहास जानना बहुत जरूरी होगा। दरअसल मदुरा नाम की बेहद सुंदर एक अप्सरा हुआ करती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे तीनों लोक में होते थे। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी आराधना में लीन थे। वहीं माता पार्वती फूल चुनने के लिए बाग गई हुई थी। भगवान शिव को अकेला पाकर मदुरा को थोड़ी सी शरारत सूझती है, जिसके लिए मदुरा भगवान शिव की आराधना को भंग करते हुए उन्हें मोहने की कोशिश करती है। लेकिन तभी माता पार्वती वहां पहुंच जाती है। मदुरा के शरीर पर भगवान शिव का भस्म देखते ही वो मदुरा के इस इरादे को समझ जाती हैं और क्रोधित होकर माता पार्वती मदुरा को मेढकी बनने का श्राप दे देती हैं। तब मदुरा को अपनी गलती का एहसास होता है और माता पार्वती के आगे विलाप करने लगती है कि माता मुझे माफ कर दीजिए। तब माता पार्वती को उस पर दया आ जाती है और कहती है कि तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद मदुरा धरती पर मेढकी बनकर इधर उधर भटकने लगती है। एक दिन मदुरा के ऊपर एक सांप की नजर पड़ती है और वो उसके पीछे पीछे भागने लगता है। मदुरा अपनी जान बचाने के लिए एक ऋषि के आश्रम में पहुंच जाती है। वहां चूल्हे पर चढ़े खीर के पतीले के ऊपर बैठ जाती है और जैसे ही सांप उसके ऊपर झपटता है वैसे ही सांप उस पतीले में गिर जाता है जिसमें खीर बन रही होती है। अब मदुरा पतीले से नीचे आकर सोचती है कि सांप के मरने से खीर जहरीली हो गई है। इस बात का ध्यान रखते हुए मदुरा कहीं नहीं जाती और ऋषियों के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही सभी ऋषि आश्रम में पहुंचते हैं तभी मदुरा पतीले में कूद जाती है और ऋषि देख लेते हैं कि अब ये खीर खाने लायक नहीं है। जब ऋषि खीर फेंकने जाते हैं तो देखते हैं कि पतीले में जहरीला सांप मरा हुआ था और ऋषिगण तभी समझ जाते हैं कि इस मेढकी ने सबकी जान बचाने के लिए खीर में छलांग लगाई, जिसके बाद ऋषि अपनी शक्ति से मेढकी को इंसानी बच्ची का रूप दे देते हैं और इस बच्ची को महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को दे देते हैं। मायासुर एक मायावी राजा था जिसके पास क्षणभर में एक बड़े से बड़ा आलिशान महल बनाने की शक्ति थी, जिससे उसने अपनी पत्नी हेमा के लिए मंडोर का महल बनाया था। मायासुर और हेमा ने मदुरा को गोद लिया और उसका नाम मंदोदरी रख दिया। तो कैसे हुआ रावण और मंदोदरी का विवाह? कथा के अनुसार जिस वक्त रावण मायासुर से मिलने मंडोर गया तब मंदोदरी यवन काल में प्रवेश कर चुकी थी। तभी रावण की नजर मंदोदरी पर पड़ी। उसे देखते ही रावण मोहित हो गया, जिसके बाद रावण ने मायासुर के सामने मंदोदरी से शादी का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को मायासुर ठुकरा नहीं सका। हालांकि मंदोदरी रावण से शादी नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही जब मंदोदरी और रावण की कुंडली मिलाई गई तब परिस्थितियां विपरीत थी। इसके बावजूद मायासुर ने रावण के प्रतापी राजा होने के कारण उसे अपना दामाद बनाना सही समझा और दोनों का रिश्ता तय करके मंडोर महल में दोनों की शादी करा दी गई। शादी के बाद रावण ने मंदोदरी को कहा था कि वो उसकी सबसे मुख्य रानी होगी और ऐसा हुआ भी। मंदोदरी ने रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज खेल को महल में शुरू करवाया। बाद में मंदोदरी को अक्षय कुमार और मेघनाथ नामक दो पुत्र हुए। कुछ कथाएं ऐसी भी मानी जाती हैं जिसमें मंदोदरी को रावण के वध का कारण माना जाता है, क्योंकि जिस दिव्य बाण से रावण का वध हो सकता था
उस बाण के बारे में रावण ने सिर्फ मंदोदरी को बताया था। भगवान हनुमान ने मंदोदरी से बातों ही बातों में उस बाण का पता लगा लिया था और जाकर भगवान राम तक ये खबर पहुंचा दी, जिसके बाद ही भगवान राम को वो बाण प्राप्त हुआ और रावण का वध हो पाया। रावण के वध के बाद मंदोदरी रावण की मृत्यु शैया के पास आई और मंदोदरी रो रो कर विलाप करने लगी, क्योंकि मंदोदरी ने हर गलत कार्य पर रावण को टोका था। यहाँ तक कि सीता हरण के समय भी मंदोदरी ने रावण का विरोध किया था, लेकिन रावण ने मंदोदरी को अनसुना कर दिया था। परंतु कोई भी पत्नी अपने पति को मृत्यु शैया पर नहीं देखना चाहेगी, जिसके कारण मंदोदरी का रो रो कर बुरा हाल था। इसी वक्त भगवान राम ने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव भी रखा था, परंतु उस वक्त मंदोदरी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब भगवान राम ने पूरे लंका का राजपाट विभीषण को दे दिया और खुद अयोध्या की तरफ चले गए, उसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल के कमरे में बंद कर लिया था। और जब वो बाहर आई तब उन्होंने विभीषण से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन कई विद्वान इस कथा को गलत मानते हैं। उनका मानना है कि मंदोदरी एक पतिव्रता नारी थी, वो सिर्फ रावण की ही धर्म पत्नी रही थी, उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति या फिर विभीषण से विवाह नहीं किया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना